चाय पर चर्चा पर कई सारी मुद्दों पर बात होती है, तो आज हम जरूर बात करेंगे और वो भी काफी रोचक जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। उस पर बात करना बहुत जरूरी है, आते हैं उस पर हम। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर कम व्यूअर है बीरू आनंद जी, जो कि तकरीबन अपना जो कमेंट करते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो सबसे पहले तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार। उससे क्या होती है, थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट होती है और थोड़ा और अच्छा करने की चाहत मिलती है, समझ लीजिए कि मन में एक चाह उत्पन्न होती है, ठीक है ना। नंबर एक। नंबर दो, बीरू आनंद जी ने कहा है कि क्या सहारा के समय से भी नहीं थी सर, सहारा की तरह क्या म्यूचुअल फंड में भी आगे पैसा डूब सकता है, जाहिर सी बात है। तो आज इस पर भी हम जो चर्चा करेंगे, कल हमने वैसे एक उनका कमेंट आने से पहले हमने एक वीडियो तो डाल दिया था कि ऑनलाइन में मतलब जो है आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है कैसे करके, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा मुद्दा होता ही होता है, तो करते हैं। देखिए सर, सहारा का क्या है कि गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम आप पैसा वापस करवाएंगे। ये एक्चुअली मैं बताऊं कि पॉलिटिकल ही, बिल्कुल पॉलिटिकल फेल्योर तो नहीं कह सकता इसको मैं, लेकिन ये पॉलिटिकली फंसाया हुआ पेचीदा मामला है। अदरवाइज सुब्रतो सहारा राय जो है ना, अपने आप को निकाल लिए होते इन चीजों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो दशा और दिशा अपनी भटक गए थे, जिसकी वजह से उन्हें परेशान करने के लिए और सहारा कंपनी को डुबोने के लिए ही मान सकते हैं, सहारा कंपनी डूबी ही उसीलिए, डुबोने के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ, किसी इंडिविजुअल की ऐसी सोच तो नहीं हो सकती है कि पूरी कंपनी को डुबो दें या इन्वेस्टर्स को डुबो दें, लेकिन उस इंडिविजुअल को तोड़ने के लिए ही ये सारी चीजें हुई हैं। चलिए वो चर्चा का विषय नहीं है, हो जाएगा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, बट इसमें खुद इन्वॉल्व थी मिनिस्ट्री, इन्वॉल्व थी इसमें खुद सेबी भी इन्वॉल्व थी, ये बात बिल्कुल सही है, और इन्होंने आश्वासन भी दिया था। अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है, वैसे मिलने की उम्मीद तो है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टियां बहुत हैं, अब उसके साथ में ब्याज और प्रॉफिट देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सारी चीजें फिर देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो सहारा पर ये चर्चा पर ना करते हम बात करते हैं अभी म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि बोलते हैं ना बीती ताई बिसारते आगे की सुध ले, तो आगे की सुध लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में, दूसरे क्वेश्चन का जवाब बता देता हूं, म्यूचुअल फंड में कभी भी ऐसी संभावना नहीं है कि पैसा डूबने के लिए सारी कंपनियों को डूबना ही पड़ेगा, तब जाकर के उसके बाद में होगा। तो आज का हम सब्जेक्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट ये है कि कई सारे लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अगला स्कैम जो है म्यूचुअल फंड में ही होगा, और वो आकर के टीवी पर आकर के डिबेट दे रहे हैं। जब उनके बारे में पता किया जाता है कौन है, तो पता चलता है ट्रेडर है, ठीक है ना। दूसरा, उनका कहना है कि चार गुना पांच गुना सारी कंपनियां हो गई हैं, तो सबसे पहले मैं इस बात का खंडन कर दूं कि चार गुना पांच गुना तो सारी कंपनियां नहीं हुई हैं, ये बात पक्का श्योर है, वो अपना नॉलेज बढ़ाए, नंबर एक। और दूसरी बात, अगर उनको इतनी बड़ी नॉलेज थी तो उन्होंने क्यों नहीं सारी कंपनियों में कर लिया। भाई सारी कंपनियों में चार गुना पांच गुना हुआ है, तो अगर वो अगर चार पांच लाख भी लगा देते तो आज उनके पास बीस पच्चीस लाख होता, बीस पच्चीस लाख लगा देते तो उनके पास आज जो करोड़ होता, करोड़ लगा देते तो उनके पास आज चार पांच छह करोड़ होता, सात आठ करोड़ होता उनके हिसाब से। तो ये सब जो है सुनी सुनाई बात है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी भी शेयर का आज तक किसी भी बोलने वाले को आपने ये सुना है कि उसने इतना यक्ष का रिटर्न दे दिया है, या वो इतनी गुनी बढ़ गई है, या वो मल्टीबैगर कंपनी हो गई है, जब वो कर देते हैं ना तब इसके बाद में लोग बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि 99% लोग जिनको लोग ट्रेडिंग की तरफ खींचते हैं, जिनको लोग चाहते हैं कि इस जुए में हमारे साथ हमारे धंधे में शामिल हो, अभी मैंने आज रात में ही एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग टू आईपीएल के ऊपर, क्योंकि मेरी मंशा ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों को जागरूक करना है, फाइनेंशियली लिटरेसी को जागरूक करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को जागरूक करने का मतलब यह है कि अपने अनुभव के आधार पर कहां पर आप गलती कर सकते हैं वो चीजें बताना, ठीक है ना। या तो हमसे जहां पर गलती हुई थी, जैसे हमारी सहारा वाली गलती हुई थी, मैंने तुरंत आपको बताया है। इस प्रकार से पर्टिकुलर किसी लोग लुभावन या पर्टिकुलर उसमें नहीं आना है। रही बात की एफडी वगैरह, आज के टाइम में देखो मैंने कितनी बार बताता हूं, पांच लाख से ज्यादा कभी भी एफडी एक जगह पे नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, तीन चार बैंक में कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज मैं भी आपको बताता हूं। तो यही सब जो है लिटरेसी है कि जिसको बताना बहुत जरूरी, अगर आपको एफडी करना ही है तो
ठीक है ना, जो आप ये है अपना सीनियर सिटीजन वगैरह है जो कि इसकी इसकी वोलेटाइल को इक्विटी को नहीं झेल सकते हैं, तो उनके लिए तो है भाई उनको एफडी करना है करना है, अगर वो एफडी करते हैं तो इस प्रकार से है। और उसके बाद में ये भी आपको मैंने बताया हुआ कि पार्ट पार्ट में करनी है, मान लिया 5 लाख की करनी है तो 1 लाख एक बैंक में करनी है, 2-2 लाख दो बैंक में करना है, या और उसके बाद में साल के लिए करना है, साल मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 1 साल 3 साल 5 साल के करना, उससे क्या होगा इजी लिक्विडिटी आपको बनी आपकी बनी रहेगी। सपोज करो एक एफडी को अगर तोड़ना हुआ तो उसके बाद में आपका इजीली वो एफडी क्या करेगी टूट जाएगी। चलिए अभी बात कर लेते हैं स्कैम पर, स्कैम पर क्या म्यूचुअल फंड स्कैम है। देखिए दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड स्कैम होता तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा बंदा तो इसको नहीं बता रहा होता। स्कैम क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। देखिए राकेश झुंझुनवाला को कोई कुछ भी बोले, उन्होंने धन तो बनाया है, इन्वेस्टमेंट का उनको ये था, उनका एक स्टेटमेंट इंटरव्यू मुझे क्लियर कट याद है, उन्होंने एक तो ये बोला था कि जब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दवाई लेनी है, या मान लिया जैसे मान लिया नॉर्मल जो सर्दी जुकाम है और ये होता है तो हम अपना अपना पीसीएम वगैरह ले लेते हैं या कर देते हैं, तो बोले कि डॉक्टर या वैद्य की सलाह लो भाई अगर आपको शरीर का समझ में नहीं आ रहा। उसी प्रकार से फाइनेंशियल टर्म्स में उन्होंने इसको बताने की कोशिश किया था कि अगर आपको ऐसा नहीं होता तो फंड मैनेजर सहारा लो, म्यूचुअल फंड में करो, अगर आपको शेयर की समझ नहीं आती है, बात उनकी बिल्कुल सही थी। तो अब हम कामकाजी लोग हैं, हम या मान लिया अपना बिजनेसमैन लोग हैं, या हम जो है खेती किसानी वाले लोग हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बैठ कर अपना काम करें, एक्टिव इनकम कमाए जिससे हमारा परिवार चले, या हम चले इसके पीछे की जो है ट्रेडिंग के पीछे अपना जो भी है वो भी वो कर दे हम कमा दे। तो इससे बढ़िया हम जो भी हमारा सेफ्टी के रूल्स हैं, जो हमारा इमरजेंसी फंड है वो पहले बनाए, फिर सेफ्टी के रूल्स लिए, फिर उसके बाद में बाकी के हमने खर्चों को लोड किया, अभी उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट की तरफ स्टार्ट किए। तो क्या है कि वोलेटिलिटी को झेलने की हमें मतलब हमें मीन्स मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं कि वोलेटिलिटी को झेलने की हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, ठीक है ना, आदत हमने उसको सीखना हमने स्टार्ट कर दिया है, पहला। दूसरा क्या है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में कम से कम 40 मिनिमम 40 कंपनी से लेकर के 30 तो मान ही लो मिनिमम 30 कंपनी से लेकर के 30 40 50 से लेकर के 100 सवा 100 कंपनी तक होती है, स्मॉल कैप में तो 100 कंपनियों से ज्यादा होती हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये सारी कंपनियां एक साथ बैठ जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और स्कैम किस बेस पे हो जाएगी आप बताइए, 19,500 करोड़ रुपया पर मंथ की एसआईपी आ रही है, इतनी एसआईपी आ रही किसी जगह पर आ रही है, और जबकि अभी लोग अवेयर नहीं हुए हैं, अभी रूरल एरियाज में इन चीजों को जैसे अभी मान लिया हमारे जैसे देसी आदमी जब इसको मतलब जो है देसी टर्म्स में बताना जो शुरू करे हैं, तो मतलब हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स कई सारे, तब लोगों का इसकी तरफ रुझान बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अभी रूरल एरियाज में जाने के बाद में इसमें और ज्यादा फ्लो आएगा। 50 लाख करोड़ रुपए को आप क्रॉस कर गए हैं, ठीक है ना, 50 लाख करोड़ रुपए को आप क्रॉस करके कहा, 2003 में आपने 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने ये किया था क्या नाम अपना सेलिब्रेशन किया था, और 2023 में आपका 50 लाख करोड़ रुपया क्रॉस कर गया, 50 लाख करोड़ पहले 47 फिर 50 लाख करोड़ रुपया क्रॉस कर गया। तो अब इतना भारी भरकम एयूएम अगर लगा हुआ है जो कि हमारे इंडिया के इक्विवेलेंट टू बजट के बराबर जाता है, तो आखिर में आप बताओ कि इसको क्या एजेंसियां ऐसे ही छोड़ देंगी? एमएफआई की निगाह इस पर नहीं रहेगी, सेबी की निगाह इस पर नहीं रहेगी, बाकी एजेंसियों की निगाह नहीं रहेगी, आपके साथ कोई इस टाइप का फ्रॉड कर देगा कि जो प्रॉफिट मिल रहे हैं कंपनियों में उन कंपनियों का प्रॉफिट आपको क्या शेयर ही नहीं दिया जाएगा? जब एक्सपेंस रेशियो का एक टर्म्स निर्धारित कर दिया गया है तो एक्सपेंस रेशियो के बाद में डिविडेंड कहां मानता हूं, जो कंपनियां जैसे अभी मान लिया 125 रुपया आपके इसने डिक्लेयर किया, 125 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है आपके, तो इसने क्या नाम है तो अपने मारुति ने, तो अब इस प्रकार से अब जिन फंड्स में मारुति के शेयर होंगे उनमें जो डिविडेंड आएगा कुछ थोड़ा बहुत मैं मानता हूं टैक्सेशन वगैरह का काट करके या कुछ और होगा, अब उसके बारे में मैं इतना डिटेल से नहीं गया, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मान लिया मुश्किल से वो भी दाल में नमक के बराबर, जैसे आप फीस दे रहे हो ना, अगर आप डायरेक्ट फंड ले रहे हो तो दाल में नमक के बराबर फीस दे रहे हो, तो दाल के नमक के बराबर ही कहीं पर वो भी जो सेबी की गाइडलाइन के ऊपर, अब क्या कोई सेबी का अधिकारी आकर के उसमें से वो ले रहा है, अपना कमीशन खोरी कर रहा है क्या? उसका एएमएफआई का कोई नुमाइंदा आकर के उसमें अपना कमीशन खोरी कर रहा है? प्रॉपर तरीके से आपके पैसों का ऑडिट हो रहा है, आपके पैसों का लेखा जोखा हो रहा है? हाँ, एनएबी में एसआईपी वाली एनएबी में जरूर झोलझाल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। झोलझाल क्यों है? क्योंकि उसमें दो
जहां पर कि जिस भी घर को अगर खराब करना हो वहां पर दो मालिक बना दो, जिस भी कुक हाउस को खराब करना हो वहां पर दो कुक रख दो, कहीं पर भी हो तो वहां पर दो डिसीजन लेने वाले कर दो, अपने आप ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निर्णय सही तरीके से ले नहीं पाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बैंक, जब हमने एसआईपी के लिए बैंक को मैंडेट दे दिया, अब हमने डायरेक्ट मान लिया, वही पैसा तो हमारा डायरेक्ट कट करके जा रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बताएं कि आप लोगों ने इस पर नहीं बताया कि ठीक है, मैं भी इसका जो क्लियरिफाई करने की कोशिश में मैं लगा हूं, और जो भी अगर कोई वरिष्ठ यूट्यूब के क्या नाम है क्रिएटर्स हैं, तो कम से कम अगर आपको पता है तो बताने की कोशिश करें कि अगर हम डायरेक्ट किसी भी चीज को कटऑफ से पहले डायरेक्ट लमसम कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत नहीं हो रही, तुरंत उसके जो है एएमसी में हमारा पैसा उसके अकाउंट में चला जा रहा है, दूसरे दिन हमें भी मिल जा रही, फिर एसआईपी का पैसा उस दिन हमारा डिडक्ट होने के बाद में कहां जा रहा है, ये बात तो समझ में तो आ नहीं रही है। तो ये यहां पर मेरे को खाली थोड़ा सा झोलझाल लग रहा है कि 4-5 दिन पैसा जो ये होल्ड कर ले रहे हैं। बाकी एप्स वगैरह से मैं पहले बता दूं, एप्स वगैरह की शिकायतें बहुत मिल रही हैं, जैसे कि ग्रो इतने दिन के बाद में दे रही है, चिरोधा इतने दिन के बाद में दे रही है, इतने दिन के बाद में दे रही है, तो वहां पर हमें कई सारी जो है मिल रही है, प्लस शिकायतें मिल रही है। बट ऐसा नहीं, अगर आपने कट ऑफ के टाइम पर दिया है तो उससे पहले आपका पैसा पक्का आपकी एनएबी दूसरे दिन की मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब इसको वॉरेन बफेट ने भी यही कहा था, वॉरेन बफेट से बड़ा तो इन्वेस्टर वर्ल्ड का कोई नहीं है, उन्होंने कहा था अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इंडेक्स फंड में चले जाओ, अगर आपको फीस नहीं देनी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये फंड मैनेजर मेहनत करेगा तो एक्टिव फंड ले लो। जाहिर सी बात है कि एक्टिव फंड का यस एक एज होने के बाद में आप इंडेक्स फंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एक्टिव फंड कहीं ना कहीं उनका अल्फा का जनरेशन जो है पैसिव के मुकाबले कई टाइम पर ज्यादा होता है। अब हो सकता है कि आपका गोल उस समय पूरा हो जाए, आपके फंड मैनेजर ने अल्फा जनरेट करके दिया, 10 सालों में एक बार आपका इंडेक्स फंड जरूर उसको बीट करता है, क्योंकि हर फंड की एक साइकिल होती है। तो आपको पता है कि सेक्टर वाइज टॉप के इतने सेक्टर्स में, टॉप के इतने फंड्स में आपका फंड मैनेजर पैसा लगाता है, ठीक है ना, तो वहां पर थोड़ा सा ही हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ऐसा होता कि सारी की सारी, जैसे आप देखिएगा, हाँ जो फंड की मैं आपको कमी बता रहा हूं, फंड की कमी क्या है और उसको आप कमी भी नहीं बोल सकते हो, आप बताओ कि जैसे मान लिया कि आप कोई भी अपना ही फंड उठा लो, उसमें आप देखिएगा स्मॉल कैप मिड कैप को छोड़ करके जितना लार्ज कैप लार्ज मिड कैप है उसमें एक एलोकेशन आईटी सेक्टर का, एक एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का जरूर आता है। अब उसमें टॉप की कंपनियों का उन्होंने होल्डिंग कर दिया, वहां पर फंड मैनेजर क्या करता है, सेफ्टी लेता है कि ताकि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ताकि हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर आंच आ जाए, जबकि उसमें पता है कि ग्रोथ की संभावना काफी कम होती है। और जो जानने वाले लोग हैं वो इसीलिए आपको, जानने वाले लोग कह सकता हूं, और काफी दिनों से कोई अभी ऐसा सीन क्रिएट नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से मतलब जो है इतना ज्यादा पैनिक फैला हो, तो आपको मिड कैप और लार्ज कैप का ही लोग सलाह देते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही बोलता हूं कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या कोई भी बैलेंस एडवाइजर फंड अगर आप इनिशियल हैं तो उसको लें, सीधा लार्ज कैप भी ना लें। लार्ज कैप शॉर्ट टर्म का गोल है 4-5 साल का, तो उसके लिए ले लें, बैंक की एफडी से डबल आपको मिल ही जाता है उसमें और उसकी सिक्योरिटी काफी हद तक होती है, तो इस प्रकार की सोच है तो उसको लें। तो मैं मेन मुद्दे पर आऊं, अगर टॉपिक पर आऊं तो कुल मिलाकर के ये है कि म्यूचुअल फंड कहीं से भी स्कैम नहीं लगता है भाई, ठीक है ना। ये निवेश का एक टूल है और जिसमें कि क्या है कि आप अपने छोटे से कंट्रीब्यूशन से बड़े शेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। एमआरएस जो एमआरएफ वगैरह का शेयर देखिए आपका कितना महंगा है, बजाज फाइनेंस का अभी देखिए क्रैश अभी आया है, कितना महंगा शेयर, और भी कई सारे शेयर ऐसे हैं जो कि ब्लू चिप शेयर है, आप उसको ले ही नहीं पाओगे, कैसे खरीदोगे आप, समस्या ये है। अब आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कम से कम एक शेयर लोगे, वो कोई अपना बिटकॉइन तो है नहीं कि आप पार्शियल बिटकॉइन ले लिया, वो कोई ऐसा वो तो है नहीं, इथेरियम तो है नहीं कि आपने पार्शियल इथेरियम ले लिया, तो पार्शियल में कोई शेयर में तो है नहीं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप क्या है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्या बुराई है उसमें, कोई भी बुराई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है मंथली एक्सपेंस इंटू 6 मंथ, उसके बाद में जैसे जैसे आप ग्रो होते जाते हो तो मंथली एक्सपेंस इंटू 3 साल का आपने बना लिया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अरे यार 6 महीने के लिए पहले आप सिक्योर है, 3 साल के लिए पहले आप सिक्योर है, और उससे ज्यादा तो कभी भी आज के इतिहास में, 1929 के इतिहास से मैं बता दूं, अमेरिका के इतिहास से मैं बता दूं, इतनी लंबी मंदी तो आई ही नहीं कभी।
तो फिर कैसे आपका सेफ नहीं है, चौपट सेफ है। हाँ, शेयर्स की सलाह इसीलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको खुद मैं बताऊं कि जो भी ये हैं, इनको अपना चस्का लग जाता है शेयर्स को निवेश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं, बाद में फिर शेयर्स करते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं और वो बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से पा चुके हैं और फालतू का सरदर्द नहीं पालते हैं, बिंदास एकदम से डेनियम की जींस, एडिडास की टी शर्ट, बढ़िया फर्स्ट क्लास दो जोड़ी जूते लेते हैं, ज्यादा महंगे तो कोई पहनते नहीं है, और बाइक लेते हैं, आराम से 50 किलोमीटर की राइड करते हैं, साइकिल लेते हैं 20-25 किलोमीटर की राइड करते हैं, वहां पर दोस्तों के साथ बढ़िया फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर 10 बजे 11 बजे घर में आते हैं, नहाते धोते हैं, धूप में बैठते हैं, फल खाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या किया, अपने आप को सैचुरेटेड कर लिया है, ठीक है ना। शुरू में उन्होंने मेहनत करी है, सैचुरेटेड कर लिया हाथ पैर थकने से पहले। अभी उनको इस प्रकार की चिंता नहीं है कि यस मेरे पास बहुत बड़ी मैं टाटा बिरला या अंबानी बन जाऊं, तो इस प्रकार की उनकी चाह नहीं है और उन्हें इसका गम नहीं है कि यार क्या बताऊं महंगाई जो है हमारे पैसे को खाए जा रही है। तो जो उन्होंने अपना खून पसीना जो बहाया था वो उन्होंने सही तरीके से एलोकेट कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स यंगर्स हैं, खास करके अप टू 50 साल तक मैं मान लेता हूं, यंग ही मानता हूं, अगर आप यंगर हैं तो जरूर जरूर, जैसे दो तीन अपना जो सिटियों का मिला, इलाहाबाद, लखनऊ, बस्ती और देहरादून, तो यहां पर जरूर मैं आऊंगा, टिकूंगा, रुकूंगा, पक्का मैं आप लोगों को बताऊंगा। यस, मैं वहां पर हूं और मैं आज की डेट में साइकिलिंग पर निकला हूं, उस पर निकला, मैं एक बात बता रहा हूं, जनरल बात बता रहा हूं, या बाइक राइड पर निकला हूं अपनी, मैं आज मैं कर रहा हूं। तो आफ्टर दैट अभी क्या है कि बहुत ही बिजी शेड्यूल है, बहुत ही बिजी शेड्यूल क्या है कि अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं, कम से कम 52-53 नहीं तो 55 तक ही मैं काम करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं 4-5 साल 60 से पहले सोच रहा हूं कि यस उसके बाद में मैं अपना सेम लाइफ में भी जीना शुरू कर दूं, क्योंकि ज्यादा चाह हमें भी नहीं है और चाह क्या, वो फिर अपने आप ही ग्रोइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारे भतीजे वगैरह बड़े हो जाएंगे, फिर काफी सारा अपने आप को व्यस्त कर लेंगे, पारिवारिक काम में व्यस्त कर लेंगे, और उसके बाद में यही बस दो तीन चीजें करेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं बिल्कुल इस बात को श्योर एंड सर्टेन कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है। हाँ, फ्रैंकलिन का एक केस का मैं एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी निकलनी चाहिए यार, आप लोग तो एक परिवार हो, आपसे नहीं बोलेंगे हम, किससे बोलेंगे। तो हाँ, इस टाइप की लाइफ स्टाइल तो हमने करनी करनी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लाइफ स्टाइल करनी है। मेरा हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर वो अपनी लाइफ स्टाइल को पक्का करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि लाइफ सबकी यार, देखो क्वालिटी लाइफ जीना हमारा हक है, जिंदगी हमारी है, जीना हमने है। वो बोलते हैं ना अजामिल वाली कहानी है, अजामिल सब कुछ करके लाता था, लेकिन एक बार उसको जब भगवान को उसकी आंख खोल, बोला यार ठीक है तू कर ले, भगवान बुद्ध गए थे या कौन गए थे उसके पास, बोला यार एक बार अपने परिवार से पूछ ले जिसके साथ तुम करता है, इसका जब तेरे को दंड मिलेगा भागीदार होंगे। बीबी ने बोला नहीं मैं भागीदार नहीं, बच्चे ने बोला नहीं, और परिवार ने बोला, माँ ने बोला तेरा काम है, तेरा धर्म है। तो भाई देखो, तब जाकर के अजामिल की आंखें खुल गई थी। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर वो आया तो प्रभु के चरणों पर वो कर गया, गिर गया। तो इस प्रकार से यह है कि हम जो भी कर रहे हैं तो जो है उसके बाद में उसका कोई भी, उसका यार देखो कोई भी, मैं परिवार में आपके, मेरा ये नारद मुनि नहीं हूं मैं कि मैं आपके परिवार में लगाऊं कला, लगाऊं क्लेश, लगाऊं, बट फिर भी क्या है, हाँ हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है परिवार के प्रति, बट यार जिंदगी हमारी अपनी है, लाइफ हमारी अपनी है, हम अपनी जिंदगी तो यार हमें जीने का हक है कि नहीं है, एग्री करते हैं आप लोग। तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमने तैयार रहना है कि यस यार पूरी लाइफ हमने कर दिया, अगर हमने इन चीजों को नहीं किया होता, सपोज करो मान लिया आप किसी भी अपने एक्युमुलेशन पर 6%, 6.5% का आपको बैंक ब्याज दे रहा है, 6.75 से ज्यादा नहीं है, उसके बाद में 40,000 से ऊपर आपका 10, 40,000 से ऊपर जैसे आपका इंटरेस्ट मिलता है तो आपका टीडीएस कट जाता है 10%,
भाई देखो बिल्कुल एकदम से न्यू कमर भी वहां पर आ जाएंगे जहां पर मैं हूं, इसलिए आप लोग हतोत्साहित नहीं होना। कई कैटेगरी के लोग हैं तो उनको भी बातें आ जाती हैं, तो वो कटने के बाद में आपको कितना बनता है, 6% भी नहीं बनता है। अब 12 साल में आपका पैसा डबल होता है। अगर यहाँ पर आप हर 3 साल या 5 साल में अपना पैसा डबल कर रहे हो, ये जाहिर सी बात है होना शुरू होगा, तो थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो आप, तो उसके बाद में आपका हक तो उसमें बन रहा है ना भाई। उनको देने के बाद में भी आपका हक बन रहा है ना, पाई पाई आपने उनको दे दिया, जोड़ करके आपने उनको दे दिया। लेकिन जो आपने अपनी इच्छाओं को मारा है, जो आपने ये किया है कि यस यार वी विल डू, हम या अभी भी इस चीज को हम करेंगे यार। मैं बच्चों को भी सेपरेट कर रहा हूँ भाई, भतीजों को भी सेपरेट कर रहा हूँ, मेरा खुद का जो है अनडिवाइडेड जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो कभी भी मैं अपने भाई और बच्चों में जो है डिफरेंस नहीं करता, उनके बच्चों में जो है डिफरेंस नहीं करता, सोच हमारी सीधी सी पॉजिटिव है, उनको भी कर रहा हूँ। क्योंकि बुढ़ापे में क्या है, मान लिया 2 साल का 4 साल का मेरे से छोटा भाई बहन है, तो सेम जो हमें प्रॉब्लम होगी वही सेम प्रॉब्लम उनको भी होगी। तो सेम प्रॉब्लम होगी तो हमारा हमारी जरूरत हमारी उस समय किसको है, चाहे मुझे मेरे भाई की जरूरत है या मेरे भाई को मेरी जरूरत है। वही हाल देवरानी जेठानी का है, सेम कम से कम 2-4 साल का जो है होगा अपना गैप होगा, उनको भी एक दूसरे की जरूरत है। तो उस चीज को हम अगर नहीं समझेंगे तो फिर औलाद से तो ऐसी बात नहीं है, तो गड़बड़ी कहां पर होती है, जब आदमी विमुख हो जाता है वहां पर। चलिए ठीक है, ये हो गई पारिवारिक बात हो गई, तो मतलब जो है हमें साथ में लेकर के उस प्रकार से हमने सोचना है कि यस बच्चों को आपने एजुकेशन दे दिया, तालीम दे दिया, उसके बाद में उनके पास वो एनर्जेटिक है करने की क्षमता, वो कर रहे हैं। इफ दे आर डूइंग बेटर, यस बेटा खुश रहो। अगर वो कहीं पर भी लड़खड़ा रहे, पूरे परिवार मिलकर के उनको अपना जो सपोर्ट कर दो। तो वही होता है कि हर परिवार का होता है, लेकिन बच्चों का संस्कार बहुत जरूरी है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर यह था कि म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, तो यस जी हाँ म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, और यस इट इज 100% ट्रू कि स्कैम नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर आपने वोलेटिलिटी में डाउन मार्केट में अगर निकाल करके आप भागे नहीं हो, जब आपका कार्पस डाउन दिख रहा है, कई बार क्या होता है कार्पस आपका डाउन दिखता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक फंड में प्री कोविड तो ऐसे ही वो चढ़ा, अपना भूत चढ़ा और बोले कि यार इसको ले लो। अब बाकी फंड्स का मुझे आदत हो गया था कि यस उसमें नहीं होता है, तो उसको लिया, कुछ दिन उसने थोड़ा 2-3 हजार ग्रो किया, उसके बाद में उसका सीधे क्या हुआ, जैसे ही कोविड आया तो वो दब करके कितना चला गया, 34 समथिंग का चला गया, ठीक है ना। अब जो 50 उसमें मैंने एक साथ डाले थे 50,000 रुपए, फिर मैं बोला यार फायदा क्या है, उसको मैंने क्या किया रिडीम करके दूसरे फंड को लिया, दूसरे फंड को लिया, उसको मैंने छोड़ देना चाहिए था, दूसरे फंड को लिया कि यार इसके जो शेयर वगैरह मेरे को पसंद नहीं है, उसमें अपना पीएसयू ज्यादा थे, और फिर उसके बाद में मैंने उसको आज के टाइम पर वही फंड नहीं रिडीम नहीं करा, मैंने रिडीम नहीं करा उसको, मैंने क्या किया छोड़ दिया उसको मैंने, ठीक है ना, छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है यार अभी ये जो है इसी पर ही रहने, तो उसमें मात्र 500 रुपए की SIP किया बस। आज के टाइम पर अपमान करके नहीं चलोगे कि वो मेरा पैसा 3.5 गुना हो गया, जो कि अब लोग बोलेंगे कि कोविड के टाइम पर वो इन्वेस्टमेंट था, नहीं प्री कोविड इन्वेस्टमेंट था। आई थिंक कि मार्च 2019 में, जबकि उस समय मार्केट उसमें थी क्या नाम है अपना हाई पर थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी जो अगर आपके पास पैसा है तो इतना ज्यादा इंतजार भी करने, जब मैं बोलता रहा हूं प्री कोविड के टाइम का था, इलेक्शन उस टाइम पे था, यस बिल्कुल याद आ गया, इलेक्शन उस टाइम पे था 2019 का। अब सोचिए आप, और उस समय तो बिल्कुल था कि बीजेपी आ रही है, कि कोई भी जो है दबलिंग ले तैयार नहीं था उस समय, मैंने मतलब वो किया हुआ था, लमसम किया हुआ था,
आ गया था पैसा, तो फिर क्या करना था, लमसम करना था। आज वो तकरीबन जो है समझ करके चलो कि 3.5 गुना जो है, 3.25 से 3.5 गुना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोविड में ही जिसने इन्वेस्ट किया या उसके बाद में मतलब जो है एकदम से गिरावट में ही किया है। आपको आज अगर 73, 74, 72 पर भेजना, जहां पर जनवरी से लेकर के मई तक आपका जो भी चल रहा है, अभी देखिए बस 2 जो है ट्रेडिंग सेशन और बचा है आज और कल का, आप घुस गए मई में, मंथली एक्सपायरी आ गई आपकी, ठीक है ना। तो अगले महीने का हो गया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो गया, तो अब आप ये बोलिए कि 4-5 महीने में वही 22,200 के नीचे मैं यहीं पर ही अपना जो है वो कर रहा है, जो है निफ्टी, निफ्टी जो है सेंसेक्स पे मान करके चलते हैं ना, बाकी उसी हिसाब से वो भी कर चलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप भी चलते हैं। तो अब इसके बाद में 4-5 महीना अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा, 4 जून को गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उसके बाद में कितनी गिरे कितनी नहीं गिरेगी, तो कब तक आप इंतजार करोगे। हो सकता है उस समय जो है मार्केट वो लगा रही है अपना जो है अपना बेट लगा रही है, अगर उनके टाइम पर ही हो गया तो वो तो वो करेंगे अपना अपना सूटअप करेंगे, रैली करेंगे, फिर आप उनके पीछे 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 भागोगे। तो सो भाई इसीलिए आपको बताया जाता है थोड़ा 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 करके अगर आपका पैसा आपका पैसा आ जाता है तो डोंट वेट यार, 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा करके उसको डाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। तो 100% आप इस बात को विश्वास करें जो मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं कि पक्का आपको गेन दे करके ही जाएगा म्यूचुअल फंड, कोई संदेह नहीं, वो भी आपके उम्मीद के मुताबिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको चाय पर चर्चा अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि परिवार भी बढ़े और हमें भी आनंद आए फिर, ठीक है ना, इतना परिवार और परिवार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। और चाह की ज्यादा चाह की हमें वह नहीं, इसलिए ज्यादा छटपटाटा नहीं हूँ, सीधा और सिंपल सा वीडियो जो आपके लिए डालता हूँ, ठीक है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।